अब मैं चलाने वाला हूँ गोल्ड विंग, यू नो 1800 सीसी। मुंबई ट्रैफिक सो पेनफुल, मतलब सो मेरे लेफ्ट में है फेमस स्टूडियोज, मतलब बॉम्बे में बहुत फेमस है ये, यहाँ पे बहुत शूटिंग होता है। थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए हम लोग, बट यार मतलब हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्या नज़ारा है यार, स्काई लाइन इज़ ब्यूटीफुल। दिस इज़ माँ लक्ष्मी रेस कोर्स, राइट। तो अब्दुस भाई बता रहे कि ये सामने में हाजी अली है, अभी हम लोग यहाँ से लेफ्ट लेंगे, पहले शायद मरीन ड्राइव आएगा तो उधर को जाएंगे और अंबानी का घर भी दिखाएंगे, खन्ना जी को, मतलब मैंने तो देखा हुआ है, खन्ना जी को दिखाएंगे, नीलिमा को दिखाएंगे और आपको भी ज़रूर से दिखाएंगे। बट यार मुंबई ट्रैफिक सो पेनफुल, मतलब सच्ची में काफ़ी पेनफुल है, और ऊपर से बॉडी ज़्यादा एग्जर्शन कर रहा है, तो मेरे को डर है कि रात होते होते तक बैंड ना बच जाए अपन का। गाइस हैव अ लुक, ये बिल्डिंग है मुकेश अंबानी की, यू नो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंस है। राइट, वेरी ट्रू। तो अंकल जी बहुत जॉली थे यार, बहुत जॉली थे। ये हमें बोल रहे थे दोनों बाइक्स वालों को कि मैं तुमसे फास्ट जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्कूटी है, जिगजैग करके निकल जाऊँगा, तुम लोग अटक जाओगे। फिर पीछे इन्होंने केटीएम देखा, इनको लगा पुराने वाले वर्जन का केटीएम है, तो कह रहे हैं क्या पैथेटिक साउंड है केटीएम का, पुराने वाले का ऑटो जैसा। सीरियसली यार, मतलब एनर्जी लेवल पूरा था इनमें। सत श्री अकाल, बहुत बढ़िया, आप बताइए। नीलिमा नीलिमा, सो यहाँ से पूरा मरीन ड्राइव चालू हो जाता है, आगे को जाते जाएंगे ऐसे रोड कर्व हो जाएगा। और वैसे अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, जब मैं लास्ट टाइम आया था थोड़ा लेट नाइट आया था, उस टाइम बिल्कुल खाली था, काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पे। यू माई लवली पीपल, सो दिस इज़ माई राइड नाउ। अब मैं चलाने वाला हूँ गोल्ड विंग, यू नो 1800 सीसी। तो करते हैं इसको स्टार्ट, उसके बाद डालते हैं रिवर्स गियर के अंदर में। वाह, तो रिवर्स गियर में हो रही है बाइक पीछे। सो मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम हैदराबाद गया था तब मैंने चलाई थी F6B, जो इसका छोटा वर्जन होता है। दिस इज द फुल फ्लैश गोल्ड विंग। ऑब्वियसली अभी हाथ बिठाने में 2-4-5 मिनट लग जाएंगे और मेरे को रास्ता भी नहीं पता, तो आई हैव टू फॉलो समबडी। वैसे खन्ना जी चला रहे बूसा, ओ ये। एंड ये भी एक कोइंसिडेंस है कि जब मैं हैदराबाद गया था F6B चलाई थी, वो भी येलो कलर की थी और ये भी येलो कलर की है। सो वो बेबी था, ये उसका डैडी है, बिग डैडी। एंड जो कम्फर्ट है ना बॉस, और जो रोड प्रेजेंस है, मतलब फील आ रहा है आमचे मुंबई में पूरा फील आ रहा है। सही फन है मैन, सही टोरा है, सच्ची बोल रहा हूँ। ये खन्ना जी भी मजे लेते हुए, मस्त जगह है, मस्त, बहुत सारे लोग हैं इधर में, टोटल फन है यार। मतलब हर बार मैं मुंबई आता हूँ अलग एक्सपीरियंस मिलता है मेरे को। ये रात याद रहने वाली है सालों सालों तक, बहुत मजा आ रहा है। सही में खन्ना जी एंजॉयिंग, खन्ना जी भी जिंदगी के मजे ले रहे हैं, सही बात है। पिछली बार जब मैं मुंबई आया था इनको मैंने काफी मिस किया था, इस बार मेरे साथ साथ ये भी चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एग्जॉटिक मशीन्स देख रहे हैं, चला रहे हैं, फुल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ब्रदरहुड का ये, थैंक यू बाजी, थैंक यू। अब वैसे मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी बहुत हैवी स्पीकर्स हैं, मैं गाने चला सकता हूँ, बट आपको पता है दोस्तों कॉपीराइट आ जाएगा। फिलहाल तो आगे वाले इंडियन के अंदर में गाने चल रहे हैं और आवाज़ यहाँ तक आ रही है, और खन्ना जी मतलब आगे हो या पीछे हो तो भूसा की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। जैकी बाजी असली मजे ले रहे हैं पीछे बैठ के, सबसे खुश ये हैं क्योंकि सुबह से इनकी इंटेंशन ये थी कि मेरे को बाइक नहीं चलानी, पीछे बैठ के घुमा दो बिना हेलमेट के, मतलब ऐसा सोच के निकले थे होटल से, और सीरियसली सही फन ये ले रहे हैं आज। आवाज़ इसका बहुत अच्छा आ रहा है।
में वो सॉल्व हो गया और यहीं आके सॉल्व हुआ है। वैसे मैंने सोचा था दिल्ली जाके काम कराऊंगा, बट यहीं पे हो गया तो बढ़िया है। ऑब्वियसली जैसे जैसे शाम हो रही है मेरी आवाज़ स्लो होती जा रही है, और साथ ही साथ भूसा के मैंने पीछे के ब्रेक पैड्स भी चेंज करा लिए लगे हाथ। तो बहुत ही फेमस शॉप है यहाँ पे, इनकी इनका नाम है गुड्डू, गुड्डू मोटर्स में खड़ा हूँ। बहुत ही पुराने, क्या है सर आपके? फर्स्ट क्लास बहुत पुराने, 30-40 साल से इस बिजनेस में, और दिल्ली के ऑलमोस्ट हर सुपरबाइकर को जानते हैं, और जो पुराने बंदे दिल्ली के सब इनको जानते हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत अच्छी यहाँ पे प्री ओन्ड बाइक्स भी खड़ी है, अच्छी कलेक्शन है, S2 भी खड़ी है पीछे में जो मेरी फेवरेट है, भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं ज़रूर से लूँगा। सो फार मतलब आई एम वेरी हैप्पी, मेरी बाइक का काम हो गया और बहुत अच्छी हमने ना यहाँ पे शाम एंजॉय करी। स्वरण पाजी एंड फ्रेंड्स सब लोग बाहर खड़े, तो एक बार हेलो करवा देते हैं। व्हाट्स अप लवली पीपल, की हालचाल? तो बहुत मजा आया यहाँ पे राइड करके। अभी आप देख रहे हो थोड़ा आवाज लो है क्योंकि गला मेरा खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट यार टेलिंग यू ये वाली शाम ना सालों साल याद रहने वाली। बहुत मजा आया, मुंबई ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से हमारा टेक केयर किया। जैकी भाई जालिम दुनिया को नहीं देखना चाहते इसलिए रात को भी चश्मा लगा लिया। गुड्डू भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मिलके। यहाँ पे जो जो काम होना था वो हो गया, मेरी बाइक ऐसी चल रही है मत पूछो कैसी चल रही है, एकदम फ्रेश हो गई है। अभी वैसे 10 बज गए हैं, हम लोग होटल को जा रहे हैं क्योंकि यार थोड़ा रेस्ट करेंगे ना, कल निकलने का है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो है, बहुत सारे भाई लोग भी इधर मिलने हैं। बाय बाय। रियली ये सामने वाले टावर देख के मेरे को मलेशिया के ट्विन टावर की याद आ गई, मैं भी वहाँ गया था, मतलब बहुत पहले जब मैं ब्लॉगर नहीं था। सही है, तो मैं पहले घूमा बहुत हूँ, सिंगापुर गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, कभी मैंने ब्लॉग नहीं किया, आता ही नहीं था करना, बट चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे आपको बढ़िया से दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दी मेरा चक्कर लगने वाला है इंटरनेशनली। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताता हूँ, मेरे लेफ्ट में हीरा पन्ना मॉल, जब इधर उधर का चीज़ें नहीं मिलता था ना, यहाँ पे सब कुछ मिलता था, कह सकते हो यहाँ का बहुत पुराना मॉल था। फिलहाल सामने में हाजी अली जूस सेंटर, ये भी बहुत फेमस है, बहुत पुराना शॉप है, और यहीं से एंट्री मिलती है हाजी अली की। हैव अ लुक गाइस, वहाँ लाइट चल रही है, नॉट श्योर आपको ढंग से दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट आपको बता देता हूँ, जब मैं सबसे पहले मुंबई आया था ना, मैं यहाँ पे आया था, तो क्या हुआ था, पहली बार मैं यहाँ विजिट करने आया था तो हाई टाइड था, जो रास्ता बीच में से जाता ना वो पानी के अंदर था, तो हमें एंट्री नहीं मिली थी। नेक्स्ट टाइम मैं आया तो मैं अंदर गया था, मैंने अच्छे से देखा और उसके बाद वापस आ गया। वाओ, जो भी है लेफ्ट में कोई दरगाह है, मुझे नाम नहीं पता है, बट बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करी हुई थी, कितने सारे झूले लगे हुए हैं और अंदर बहुत सारे लोग हैं। वाओ मैन, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो होटल जाते जाते कार्टर रोड का एक गेड़ी और लगा लिया हम लोगों ने, मज़ा आ रहा है। और वैसे टाइम 11 बज रहे हैं, तो इसी का मैंने एस्टिमेट लिया था होटल जाने का। मीट कबीर, ये थोड़ा शाय है, कैमरा शाय है, ये स्वरण पाजी का बेटा है, ये देखो यहाँ भी येलो है, ठीक है, येलो स्वरण पाजी का फेवरेट है। तो ये लोग हमें छोड़ने आए थे होटल पे, बहुत मज़ा आया, तो जितना हो सकता था एक शाम में हमने उतना मुंबई इंजॉय किया है, बाकी अगली बार के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हम आखिरी बार आ रहे हैं, आना जाना तो लगा रहेगा। What a day it was guys, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। और अभी वैसे 11:30 हो रहे हैं, अब है सोने की तैयारी। ये भाई साहब अंदर खास रहे हैं, चीख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आधे घंटे से अंदर बैठे हैं, सही बात है ना? हमने बहुत आवाजें लगाई हैं, बाहर नहीं आ रहे। खन्ना जी क्या कर रहे हैं अंदर? जो सब लोग करते हैं वो ही अंदर कर रहे हैं। एनीवेज दोस्तों अभी करेंगे वीडियो क्लोज, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज वाले वीडियो के दो पार्ट मैंने बनाए होंगे, क्योंकि बहुत सारा डेटा होगा मेरे पास में, और मैं चाहता हूँ आप पूरा पूरा एंटरटेनमेंट देखो, मतलब जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी यहाँ पे वो सब आप देखो। और जाते जाते एक हिंट देता हूँ आपको, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता है मेरे को क्या गिफ्ट मिला है स्वरण पाजी की तरफ से, अगर नहीं करते हो तो वेट करो अगली वीडियो का, उसमें दिखाऊंगा। उन्होंने एक छोटी सी चीज़ दी है बट बहुत यूनिक है, मेरे को सच्ची बहुत अच्छी लगी, तो थैंक यू स्वरण पाजी। तो अभी इसी नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज, आई होप आपको आया होगा बहुत मजा, तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और चैनल को करना सब्सक्राइब। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, और प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय।